शनिवार की सुबह उत्तर प्रदेश के औरैया में एक भीषण सड़क हादसे में 24 प्रवासी मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दिल्ली कोलकाता हाईवे पर एक ढाबे के पास चाय पीने को रुकी मजदूरों से भरी डीसीएम में एक ट्रॉले ने टक्कर मार दी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस घटना पर दुख जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, उत्तर प्रदेश के औरैया में सड़क दुर्घटना बेहद ही दुखद है। सरकार राहत कार्य में तत्परता से जुटी है। इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं, साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी घटना पर दुख जताया और ट्वीट कर कहा, उत्तर प्रदेश के औरैया में हुए सड़क हादसे में कई श्रमिकों की मृत्यु के बारे में जानकर अत्यंत दुख हुआ है। इस दुर्घटना में जिन लोगों की जान गई है, मैं उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं, साथ ही दुर्घटना में घायल हुए मजदूरों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी प्रवासी मजदूरों की मौत पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, उत्तर प्रदेश के औरैया में सड़क हादसे में 24 मजदूरों की मौत और अनेक लोगों के घायल होने की खबर से आहत हूं। मृतकों के परिवारों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इस घटना पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दुख जताते हुए सरकार पर सवाल उठाए। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा, औरैया की हृदय विदारक घटना ने एक बार फिर ये प्रश्न उपस्थित कर दिया है कि आखिर सरकार क्या सोचकर इन मजदूरों के घर जाने की समुचित व्यवस्था नहीं कर रही। प्रदेश के अंदर मजदूरों को ले जाने के लिए बसें क्यों नहीं चलाई जा रही? या तो सरकार को कुछ दिख नहीं रहा या वो सब कुछ देख के अनजान बनी हुई। क्या सरकार का काम सिर्फ बयानबाजी करना रह गया? सभी मृतकों के पार्थिव शरीरों को सम्मान पूर्वक उनके परिवार वालों तक पहुंचाया जाए, सभी घायलों का समुचित इलाज हो और इन सबकी आर्थिक मदद की जाए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस हादसे को हत्या करार देते हुए सरकार पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, यूपी के औरैया में सड़क हादसे में 24 से भी अधिक गरीब प्रवासी मजदूरों की मौत पर अवर्णनीय दुख, घायलों के लिए दुआएं, सब कुछ जानकर सब कुछ देखकर भी मौन धारण करने वाले हृदयहीन लोग और उनके समर्थक देखें कब तक इस उपेक्षा को उचित ठहराते हैं। ऐसे हादसे मृत्यु नहीं हत्या है। घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों के मारे जाने की खबरें दिल दहलाने वाली। मूलतः ये वो लोग हैं जो घर चलाते थे, इसलिए समाजवादी पार्टी प्रदेश के प्रत्येक मृतक के परिवार को 1,00,000 रुपए की मदद पहुंचाएगी। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए निष्ठुर भाजपा सरकार भी प्रति मृतक 10,00,000 रुपए की राशि दे। गौरतलब है कि यूपी के औरैया जिले में शनिवार सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ। दिल्ली कोलकाता हाईवे पर एक ढाबे के पास चाय पीने को रुकी मजदूरों से भरी डीसीएम में एक ट्रॉले ने टक्कर मार दी। हादसे में अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 22 लोग जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं।